नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बार मैग्नेट तो नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का आपका नाम, अगर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत याद होगा तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद रहेगा तो ये थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड सेपरेट एंड अनरिलेटेड फिनोमेना फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई अराउंड 17th-18th century, उसी दौरान मैग्नेटिज्म भी इंट्रोड्यूस हुआ था, बट लग क्या रहा था उन लोगों को कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों सेपरेट फील्ड है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, In the early decades of the 19th century, experiments on electric current by Oersted, Ampere and a few other established the fact that electricity and magnetism are interrelated. ये दो बंदे थे, Oersted और Ampere। उन्होंने बोला कि भाई electricity और magnetism कुछ related है, but कैसे related है वो नहीं बोला, but कुछ related। उनको experiment करते गए तो उन्होंने धीरे धीरे ये सारी चीजें पता चली गई। They found that moving electric charges produces magnetic field. Moving electric charges तो थे, वो magnetic field produce कर रहे थे। ये हमने already आगे के chapters में देख लिया। For example, an electric current deflects a magnetic compass needle placed in its vicinity. मतलब उसके area में अगर compass needle रखेंगे, मान लो कि यहाँ से electric current जा रहा है, यहाँ पे compass needle रखेंगे तो ये थोड़ा बहुत deflection होगा। तो इससे एक बात हमें ये पता चलती है, दिस नेचुरली रेजेस अ क्वेश्चन लाइक इज द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का काम ही यही है, कुछ भी पॉसिबल करना। उनको थोड़ा सा हिंट मिले और वो उस पर लग जाते हैं काम करने। कैन अ मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट। And does the nature permit such a relation between electricity and magnetism? अगर होता है तो electricity और magnetism में कुछ relation है। तो इसका जवाब हमें मिलता है दो scientist 1830s में, एक थे Michael Faraday England में और दूसरे थे Joseph Henry USA में, जिन्होंने 1830 के आसपास demonstration की। अब आज का जमाना इतना advanced है कि यहाँ पे कुछ भी टक टक करेंगे तो within a fraction of time सब जगह पे वो फैल जाएगा। तब ऐसा नहीं होता था, एक बंदा इंग्लैंड में रहता था, एक बंदा यूएसए में रहता था, मतलब जमीन आसमान का दूर था। तब तो ऐसे टेलीफोन और कन्वर्जेशन जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी एडवांस नहीं थी। ओके, तो एक बंदा एक्सपेरिमेंट करता था तो उसको पता ही नहीं होता था दूसरा बंदा, इसलिए जनरली दो दो बंदों के रिलेटेड हो जाता था, क्योंकि एक बंदे ने अपनी जगह पे किया, दूसरे बंदे ने अपनी जगह पे किया, दोनों ने फिर क्या किया कंबाइन करके उनको दे देते कि भाई इन दोनों के कारण ये सब डिस्कवर हुआ। उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेटेड कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली मतलब उनका आंसर निकला दैट इलेक्ट्रिक करंट्स वर इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल एंड सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो क्लोज्ड कॉइल, ओपन कॉइल में तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए क्लोज्ड कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। यहां पे प्रोड्यूस नहीं लिखा, इंड्यूस मतलब फोर्सफुली प्रोड्यूस कर रहा है, उसे इंड्यूस बोलते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड and understand the underlying principle. इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो क्या होता है, the phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field. I am repeating varying magnetic field, magnetic field stationary या constant नहीं, varying change होनी चाहिए, is called electromagnetic induction. ये उसकी क्या है definition है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि भाई varying magnetic field के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमने इंड्यूस किया, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू मैग्नेटिज्म और प्रोड्यूस हुआ मतलब इंड्यूस किया, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीन एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर वन। ठीक है, आप फिगर देख सकते हो, C1 एक कॉइल है हमारे पास। फिगर शोज अ कॉइल C1 कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर G। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने अभी देखा था, एक साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो एक साइड करंट आ रहा है, इस साइड जाएगा तो ऑपोजिट साइड करंट, सॉरी बट डिफ्लेक्ट होगा तो मान लेने का कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्वेश्चन दैट इज एक्सपेरिमेंट में क्या किया, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ये देखा हमने 10th में ऐसा ही था कि भाई अगर आप मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेके जाते हो और कौन सा पार्ट इन नॉर्थ पोल, पहले नॉर्थ पोल लेके जा रहे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा एक साइड, कौन सी साइड दिखा रहा है, तो राइट साइड दिखा रहा है। जब नॉर्थ पोल को हम अंदर लेके गए, नॉर्थ पोल को अंदर लेके गए, इसका मतलब नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहा है, बराबर। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज इन मोशन। ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, लेके जा रहा हूं और यहां पे स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया तब डिफ्लेक्शन कोई नहीं दिखाएगा। रीजन इज स्टॉप कर दिया तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी है, जब दूर से लेके आ रहे थे तो देखो यहाँ से लेके आ रहे कम मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा 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 बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में ही वही पढ़ा के वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बीच में छोड़ दिया, अगर बीच में ऐसे भी छोड़ दे, यहाँ पे छोड़ दे, यहाँ पे छोड़ दे, तो वो नहीं होगा, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड तब कॉन्स्टेंट हो गए। अब यहाँ पे मान लो छोड़ दिया तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कॉन्स्टेंट ही है ना, बट उसको आगे पीछे लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, वेरी कर रही। द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है। नाउ व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अब देखो नॉर्थ को बाहर लेके जा रहे हैं, द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अब वो किसकी तरफ दिखाएगा, लेफ्ट की तरफ। जब उसको नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहे हैं तो राइट की तरफ, जब नॉर्थ पोल को बाहर लेके आ रहे हैं किसकी तरफ दिखा रहा है, लेफ्ट की तरफ, विच इंडिकेट्स दैट रिवर्सल ऑफ द करंट्स डायरेक्शन, रिवर्सल ऑफ द करंट्स डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्सल। मोर ओवर व्हेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आर ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड विद द नॉर्थ पोल फॉर द सिमिलर मूवमेंट। अब मान लो कि भैया नॉर्थ की जगह पे अब मैं साउथ पोल को अंदर लेके जा रहा हूँ, जब साउथ पोल को अंदर लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर कौन सी साइड दिखाएगा, लेफ्ट साइड, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और कैसे दिखाएगा, तो वो हम लेंस लॉ पढ़ने वाले हैं, उससे पढ़ लोगे आप। और अगर साउथ पोल से हम बाहर निकाल रहे हैं तो लेफ्ट की जगह पे आप क्या दिखाएगा, राइट साइड, डन, समझ में आ गया ये बात, किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, आगे बढ़े, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, और एक चीज फर्दर, द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एंड करंट इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर, धीरे धीरे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है बट कम टाइम में वेरी हो रही है, जल्दी से लेके जाओगे तो ज्यादा टाइम में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है, तो जितना फास्ट करोगे उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। नाउ इंस्टेड व्हेन द बार मैग्नेट, अभी देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, अभी देख लॉजिकल बात है कि पहले कॉइल है उसको आप स्टेशनरी देखोगे बिकॉज नीचे गैल्वेनोमीटर है, पूरी सर्किट है, तो मैग्नेट छोटा होता है तो उसको अंदर बाहर करना ईजी है। बट मान लो आपको एक तूफानी ख्याल आया, खुराफाती आइडिया आया, अटपटा सा आइडिया आया कि भाई एक काम कर सकते हैं सर कि हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें बट कॉइल को आगे पीछे मूव करें, तो क्या होगा। तो इंस्टेड व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड फिक्स्ड एंड द कॉइल C1 इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट द सेम इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। अब देखो मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और कॉइल को लेके जा रहे उसकी तरफ, या कॉइल को रखा है नॉर्थ पोल को, दोनों का मतलब तो सेम ही है, यह नॉर्थ पोल है कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं, यह कॉइल है नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे, मतलब तो सेम ही है, समझ रहे, ओके। तो हमें एक चीज ये एक्सपेरिमेंट वन से मिली कि इट शोज दैट इट इज द
रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, मैग्नेट और कॉइल का बीच का रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता कि देखो दोनों को, इसको भी मूव कर, इसको भी मूव कर, बट दोनों को मूव करें सेम स्पीड से तो वेरी मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी नहीं हो रही है, बट हाँ दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों। अभी देखो इसका रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा था ना 11th में, वही है रिलेटिव मोशन, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो हो नहीं रही। एंड द कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो कॉइल को मूव करो या तो मैग्नेट को मूव करो या दोनों को मूव करो, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, बट सेम डायरेक्शन में भी मूव करो तो इसकी स्पीड ज्यादा करो और इसकी स्पीड कम करो। देखो इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है तो भी रिलेटिव मोशन ही हुआ, दोनों की स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में। क्लियर हो गया पक्का? नाउ एक्सपेरिमेंट सेकंड। इन फिगर द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड कॉइल C2। अब बार मैग्नेट की जगह पे C2 रख दिया, टू अ बैटरी। द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ। बैटरी के कौन सा कनेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, डीसी। डीसी करंट क्या होता है, स्टेशनरी करंट। एसी करंट अल्टरनेट चेंज होता है, ठीक है, ये डीसी करंट। सब कुछ 10th में पढ़ा, अब मैं आपको पहले समझा दूं, फिर डिटेल में इसमें देखेंगे। जब आपने बैटरी को स्टार्ट किया तो इसमें से करंट अब फिक्स है, अब इसके कारण करंट इसमें कॉइल 2 में जो करंट प्रोड्यूस होगा, कॉइल 2 में जो करंट होगा वो स्टेशनरी और कांस्टेंट करंट है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड C1 के साथ लिंक होगी, उसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट इनिशियली जब आपने जस्ट स्विच क्लोज करी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फॉर अ 1 सेकंड, करंट क्या हुआ, I vs T का ग्राफ, करंट 0 से फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 1 सेकंड के लिए वो करंट चेंज हुआ ना करंट। तब तक गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा के वापस स्टेशनरी हो जाएगा, क्यों, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो चेंज हुआ। देखो ना, जीरो से कांस्टेंट या मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स तक पहुंचा, फिर वापस वो कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया तब तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए वो डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा नहीं। बट जब आप वापस बंद कर रहे हो मतलब स्विच निकाल रहे हो, तो वो मैक्सिमम से जीरो होगा तब डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा, बट कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा के वापस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में भी क्या हुआ, इस पोर्शन में भी करंट चेंज हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, बट कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले जीरो से मैक्सिमम, तो ये डायरेक्शन मैक्सिमम टू जीरो, ऑपोजिट, तो ये बता। Now, as coil C2 is, पहली बात तो कि भाई अब C2 is moved towards the coil C1, the galvanometer shows a deflection. This indicates that the, मैंने आपको थोड़ा सा दूसरा केस बता दिया, बट C2 जो है अभी वो मैंने आपको जो केस बताया वो एक्सपेरिमेंट 6.3 का बता दिया, बट अभी यहाँ पे 6.2 में मैं समझा दे रहा हूँ कि भाई C2 जो है आपका वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट में भी आपको पता है स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है ना भाई, बार मैग्नेट भी स्टेशनरी होता है, वो तो हमको मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे हम कॉइल C2 को अंदर बाहर मूव करेंगे, तो दिस इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1। व्हेन C2 इज मूव्ड अवे द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन अगेन, बट दिस टाइम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज कॉइल C2 इज इन मोशन। व्हेन द कॉइल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड, C1 इज मूव्ड, द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व। देखो C2 को मूव करेंगे या C1 को मूव करेंगे वो सेम ऑब्जर्वेशन देगा। C2 को जैसे मूव करेंगे तो अभी देखो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जा रही, और आगे मूव करेंगे 7, 8 फील्ड होंगी, और आगे मूव करेंगे 10 फील्ड होंगी, दूर लेके जाएंगे तो 4 होंगी, दूर लेके जाएंगे 2 होंगी। तो जैसे जैसे आप आगे भी चले के जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब वो क्या करेगा, अगेन इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। पहले क्या था, पहले एक मैग्नेट और एक कॉइल थी, अब यहाँ पे जो कॉइल है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है बेटा, वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। क्यों मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, तो आपको भी पता है कि भाई कॉइल के अंदर करंट पास होता है, करंट पास होता है मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, ओके। थर्ड,
ये तो मैंने की वाला समझाया, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली 6.3 था, आपको मैंने समझा दिया, अभी आपको क्लियर हो चुका। द अबाउट टू एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल बिटवीन द टू कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। थ्रू अनदर एक्सपेरिमेंट फैराडे शोज दैट दिस रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देखो दो कॉइल्स हैं C1 एंड C2, वेल स्टेशनरी। कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू गैलोमीटर व्हाइल कॉइल C2 इज कनेक्टेड टू अ थ्रू अ बैटरी थ्रू अ के की के। अब जैसे की ओपन है तब यहाँ पे कुछ भी पास नहीं होगा, बट जैसे ही आपने की क्लोज करी, जैसे ही की क्लोज करोगे, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन गैलोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी मतलब एक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, व्हेन द की के इज प्रेस्ड द पॉइंटर इन द गैलोमीटर रिटर्न्स टू जीरो इमीडिएटली। ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा। क्यों? बिकॉज इफ द की इज हेल्ड पास्ट कंटिन्यूसली देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। फिर आप की बंद करके रखो, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, बट वो कौन सी होगी? स्टेशनरी। बट जैसे ही आपने व्हेन द की इज रिलीज्ड, जैसे ही की को रिलीज करोगे, अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व अगेन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? फिर करंट मैक्सिमम से जीरो हुआ, मतलब करंट चेंज हुआ। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रोड इज इंसर्टेड बिटवीन द कॉइल ऑफ द एक्सिस। यहाँ पे आयरन रोड रखा है तो और ज्यादा, क्यों? बिकॉज जब आयरन रोड रखोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा, मतलब और ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? पक्का? तो ये थे हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए, याद रखना बहुत कम है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सब लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, वही है। ये डायग्राम है, देखो। मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक है, एरिया वेक्टर उसका ऐसा, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बी, तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या मानेंगे? थीटा। देखो सब कुछ दिया हुआ आपके पास है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एन एरिया ए प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? Is equal to B dot A, क्या उसको क्या बोल सकते हैं? The theta is angle between B and A. आ गया समझ में बेटा? पक्का? This is what magnetic flux. Electric flux पता होगा तो magnetic flux easily पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि एक irregular surface है, बराबर है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द सरफेस, जैसे इस फिगर में दिया हुआ, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं? फाइ बी इज इक्वल टू बी वन डॉट डी ए वन प्लस बी टू डॉट डी ए टू प्लस बी थ्री डॉट डीए थ्री, अलग 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 ऐसे सबका समेशन करते जाएंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑल, ऑल मतलब जितने भी वो छोटे छोटे एरिया हैं उसको हम लिख सकते हैं बी आई डॉट डी ए आई। बी आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डी आई मतलब एरिया, वेयर ऑल स्टैंड्स फॉर द समेशन ऑफ ऑल द एरिया ऑफ डी ए, ठीक है। बट आपको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट, फाइव बी इज इक्वल टू लिमिट, क्या लिखेंगे? डेल ए आई टेंड्स टू जीरो समेशन ऑफ ऑल बी आई डॉट एरिया। इसका मतलब क्या होता है? ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं वो इतने इनफाइनाइटली छोटे होते हैं, दैट इज दे टेंड्स टू जीरो। तो इसको आप अभी देखो, जब आप लिमिट डाल देते हो तो डी ए आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? याद करो डिफरेंस ये था, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो तो डेल बी बाय डेल टी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी बी बाय डी टी में। बट जब समेशन होगा तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? समेशन कन्वर्ट होगा आपका इंटीग्रेशन में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर
फाइव बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी ए ओवर द सरफेस एस, ये एस है इसके नीचे है, एस इसके नीचे आएगा, डी डॉट डी ए। क्लियर हो गया? पक्का? द साइड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो आप देख ही सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर विद दिस पार्ट बेटा? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ओके, अब मोस्ट आईएमपी टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। मैंने आपको ये भी बताया था, आगे हमने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन किया था कि जितना स्पीड जल्दी, जितना टाइम में आप उसको मूव कराओगे उतना जल्दी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब उतना ज्यादा करंट। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक मतलब जितना जल्दी, जितना कम टाइम उतना ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम उतना ईएमएफ कम, ईएमएफ कम मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली लिंक टू करंट, ईएमएफ जितना कम होगा करंट उतना कम प्रोड्यूस होगा। मैथमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई मतलब रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली ईएमएफ मतलब देखो आपको इतना तो पता है कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और उसमें भी जितने कम टाइम में पास होंगी जितना फटाफट मूव करोगे उतना ज्यादा। तो फील्ड लाइंस मतलब आप बोलो सर यहाँ पे तो फ्लक्स है, तो व्हाट इज फ्लक्स, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया तो उसे फ्लक्स बोलते हैं, मतलब वही हुआ। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया में से जितने कम टाइम में प्रोड्यूस होगा, उस कम टाइम में जाएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, ये नेगेटिव साइन क्यों? सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ई एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप। ये नेगेटिव साइन है ना, डायरेक्शन ऑफ ई दिखाएगा, ई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है, वही आपका लेंस लॉ बराबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ आप अंदर भेज रहे हो तो उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, वो अपोज क्या है तो वो मैं लेंस लो इसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं वो तब तक के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इन केस अगर मान लेते हैं कि इफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल्स ऑफ एन टर्न्स इज देयर देन चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न इज सेम, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो जितना फर्स्ट टर्न के साथ उतना ही सेकंड टर्न के साथ, उतना ही थर्ड टर्न के साथ, तो सबके साथ फ्लक्स लिंक सेम ही है, तब आपका ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हमें ज्यादा ईएमएफ चाहिए मतलब ज्यादा टर्न्स कर दो क्योंकि एन ज्यादा हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी में आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, एन को आप चेंज कर सकते हो, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है बेटा, पक्का? आगे बढ़े, ओके। एग्जाम्पल 6.1 है आपके टेक्स्ट बुक का, बराबर, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 6.1? एग्जाम्पल 6.1 आपको बता रहा है कि भैया कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। 6.2 मतलब दो कॉइल वाला। टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। फर्स्ट यूज अ रॉड ऑफ मेड ऑफ आयरन, हमने देख लिया था आयरन अगर आप डाल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। और कनेक्ट द कॉइल टू अ पावरफुल बैटरी, और सेकंड मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द कॉइल सी1। दो ऑप्शन है, या तो आप कॉइल के अंदर आयरन डाल दो तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्शन, या फटाफट से मूव करो इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्शन। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये भी बात है, मान लो सर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हमें कैसा पता चलेगा कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या करेंगे, रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर बाय स्मॉल बल्ब, द काइंड वन फाइंड्स इन अ स्मॉल टॉर्च लाइट। छोटे से टॉर्च लाइट है ना, थोड़ा सा भी उसमें करंट दोगे तो वो थोड़ा सा जलेगा। एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स विल कॉज द बल्ब टू ग्लो एंड दस डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। थोड़ा सा ग्लो होगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है।
हुआ बेटा पक्का? ये एग्जांपल 6.2 है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड 10 सेंटीमीटर है मतलब एरिया हमें इजीली फाइंड हो सकता है, और जिसका रेजिस्टेंस L को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। वर्टिकली मतलब कैसे रखेंगे आप? वर्टिकली मतलब ऐसे होगा, ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये नॉर्थ साउथ है, देखो ये नॉर्थ साउथ है, ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे रखा गया है ईस्ट वेस्ट प्लेन, ऐसे रखा गया, ठीक है, वर्टिकल। ओके, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ये नॉर्थ है, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये प्लेन ऐसे रखी गई है ईस्ट और वेस्ट। कितना? नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री, ये जो है कितना रखा गया है 0.10 टेस्ला सेट अप अक्रॉस द एंगल, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? बिकॉज प्लेन आपकी ये है, प्लेन ऐसे रखी गई है नॉर्थ ईस्ट, और बी एस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में मतलब थीटा ये हो गया, एरिया तो आपका ये होगा, सॉरी ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्लेन होती है, प्लेन मान लो ये प्लेन है, तो ये उसका एरिया एंगल ऐसे, ये एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, बी हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। मैग्नेट फील्ड इज डिक्रीज टू 0.70 सेकंड एट अ स्टडी रेट। हमें क्या फाइंड करना? डिटरमाइन द मैग्नेट इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इंड्यूस ईएमएफ ई फाइंड करना, और उसके बाद करंट फाइंड करना। पहले ई फाइंड कर लेते हैं, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज माइनस डी फाई बाय डी टी। तो सबसे पहले फाइव बी फाइंड करना पड़ेगा। फाइव बी का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो फाइव बी, बी कितना दिया हुआ है 0.1। एरिया क्या होगा? 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 एस टू माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस 45। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.1 इंटू 0.1 मतलब 10 का पावर ये माइनस 3 हो जाएगा, और कॉस 45 मतलब 1/√2 मतलब होल डिवाइड बाय रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/√2 कितना होता है? 0.7 होता है, इंटू 10^-3 वेबर। फाइन निकल गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ई चाहिए। अब देखो आप बोलो सर माइनस क्यों नहीं लिखा? वी आर डीलिंग विद मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शंस का कोई पूछा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो क्या आ जाएगा? डी फाइव बाई डी टी। देखो डी फाइव मतलब एक्चुअली क्या होता है? चेंज, समझ रहे हो? डी फाइव मतलब छोटा सा चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा था? मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मतलब पहला क्या होगा 5 मैक्स से लेके वो जीरो हो गया। कितने टाइम में? 0.7 सेकंड। 5 मैक्स कितना है? 0.7 इंटू 10^-3। माइनस जीरो करने का कोई जरूरत नहीं है, और 0.7 आंसर कितना आएगा? 10^-3 वोल्ट, या इसको हम 1 मिली वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब ई मिल गया, तो हमें आई फाइंड करना है, तो देयर फॉर इंड्यूस करंट आई का फॉर्मूला क्या है? मोड ई बाय 1 mV मतलब 10^-3, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, 0.5 मतलब 1/2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 × 10^-3 एम्पियर, मतलब 2 mA। ओके, इजी। आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े, श्योर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 6.3, a circular coil of radius 10 cm, 500 turns and 2 ohm is placed when its plane perpendicular to its horizontal component of the earth's magnetic field. उसकी plane है, वो perpendicular to the earth's का horizontal magnetic field, उसकी plane इस side और earth का magnetic field, मतलब ऐसे रखी गई है, ठीक है? अब इसका एरिया सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है तो सर्कुलर कॉइल है, मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सो 5 × 10^-1 का स्क्वायर, सो 5 × 10^-2 मीटर स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ टर्न एन कितना दिया हुआ? 500। आर कितना दिया हुआ? 2 ओम, और कुछ दिया हुआ? अब क्या बोला है? इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर मतलब ऐसा जो डायमीटर है ना, ऐसे घुमाया, उसको ऐसे घुमाया, ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमा 180 degrees in 0.25 seconds। तो सबसे पहले, और बी दिया हुआ है, देखो बी दिया हुआ है 3 × 10^-5 टेस्ला।
सबसे पहले हम फाई वन, क्योंकि डी फाई बाई डी टी हमें क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट, तो ये इक्वल टू डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो पहला फाइव और दूसरा फाइव, फाई टू माइनस फाई वन करेंगे, ठीक है डन। तो आगे बढ़ते हैं, तो फाई वन कितना होगा, तो फाई वन इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा वन, बी है आपका थ्री इंटू टेन डैश टू माइनस फाइव, ए है आपका पाई इंटू टेन डैश टू माइनस टू, और कॉस इनिशियली थीटा क्या होगा, इनिशियली आपका थीटा होगा जीरो डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लिखा है, तो सुनिए बात मेरे, परपेंडिकुलर टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड, ये प्लेन है, तो एरिया वेक्टर भी इस साइड, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री। तो पाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा थ्री पाई इंटू टेन डैश टू माइनस सेवन जो कॉस जीरो वन होगा। अब आपको पाई टू फाइंड करना है, 180 डिग्री टर्न करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड, अब आपको इसको टर्न कर देना है तो एरिया वेक्टर इस साइड हो जाएगा, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको बी ए कॉस थीटा टू, बी आपका क्या है थ्री इंटू टेन डैश टू माइनस फाइव, ए क्या है पाई इंटू टेन डैश टू माइनस टू, और कॉस क्या हो जाएगा थीटा टू इज 180 डिग्री, मतलब सब कुछ सेम सिर्फ माइनस आ जाएगा थ्री पाई तो ओके क्लियर हुआ, आगे बढ़े अभी, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस डी पाई बाय डी टी। आप लोग सर मोड क्यों नहीं लिया, ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई टू माइनस पाई वन अपॉन डी टी, कितने टाइम में बोला था वो 0.25 सेकंड में, तो E इज इक्वल टू माइनस कितना था माइनस थ्री पाई इंटू टेन डैस टू माइनस सेवन, और फाइव वन भी क्या था थ्री पाई इंटू टेन डैस टू माइनस सेवन अपॉन 0.25। तो देखो माइनस थ्री पाई माइनस सिक्स पाई, और हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंटू एन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स है ना एन, तो इंटू पाई एन, हाँ तो देखो माइनस सिक्स पाई और माइनस प्लस सिक्स पाई, तो सिक्स पाई इंटू फाइव हंड्रेड, तो कितना हो जाएगा 3000 पाई इंटू टेन डैश टू माइनस सेवन अपॉन 0.25। अब मैं ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 3.8 इंटू टेन डैश टू माइनस थ्री मोल। हमें तो आई फाइंड करना है, आई का फॉर्मूला क्या आएगा ई बाय आर, 3.8 इंटू टेन डैश टू माइनस थ्री अपॉन टू, इसका आंसर आएगा 1.9 इंटू टेन डैश टू माइनस थ्री एम्पियर। इजी, कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं ना, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंज लॉ, जो मैंने आपको बोला था बेसिकली लेंज लॉ है क्या, बहुत ध्यान से सुनना, ये है लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा या करंट इंड्यूस करेगा, तो हमेशा उसके जो पोल्स होंगे वो उसे क्या करेंगे, ऑपोज करेंगे। क्यों ऑपोज करेंगे, कैसे ऑपोज करेंगे वो हमें देखना है, बट पहले इतना समझो, उसकी साइन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव टू द ईएमएफ प्रोड्यूस, दैट इज द नेगेटिव साइन, ये रहा उसका फॉर्मूला, बराबर ये रहा उसका E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब वो क्यों नेगेटिव होता है, वो क्यों ऑपोज करता है, वो लेंस भैया ने हमें बताया, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इतना लिख लो, और क्यों है, क्यों उसका रीजन है, वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से पढ़िएगा। याद करो ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, बराबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इन फिगर वी सी दैट नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द क्लोज्ड कॉइल, है कि नहीं, ये नॉर्थ पोल है वो आप उसे अंदर भेज रहे हैं। नाउ एज अ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल द मैग्नेटिक कॉइल थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीज, ये देखो धीरे धीरे अंदर जाएगा तो मैग्नेट फ्लक्स इंक्रीज होगा, करेक्ट। क्रोनोलॉजी समझिएगा, ठीक है, लाइन टू लाइन मैं क्या बता रहा हूँ, मीमर्स जो होंगे उनको पता होगा क्रोनोलॉजी का मतलब, ठीक है। हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द इंक्रीजिंग फ्लक्स। अब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्शन में सच दैट के वो फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, अब फ्लक्स जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो तो बेटर है, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा,
तो जितना ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा वो हमें पता है, बट यहाँ पे वो उसे इसलिए ऑपोज करेगा कि मान लो हमने उसको एक बार धक्का दे दिया, एक बार धक्का दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा और फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, तो वो तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो गलत प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही उसे एनर्जी दिया और उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आगे कहां से आई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द करंट इन द कॉइल इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ मैग्नेट। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल आप अंदर लेके जा रहे हो, नॉर्थ पोल आप अंदर लेके जा रहे हो, इनसाइड, नॉर्थ पोल इज गोइंग इनसाइड, तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉर्थ पोल इज कमिंग आउट तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। साइमल्टेनियसली ये कहां पे, फ्रॉम द मैग्नेट साइड, ये मैग्नेट साइड हम देख रहे हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन में ट्विस्ट करके ऐसा भी बोला जाता है कि आप कॉइल के दूसरे साइड हो, मैग्नेट साइड नहीं हो। तो एक बात समझो, ये कॉइल है, ये यहाँ पे मैग्नेट है, आप यहाँ पे से देख रहे हो नॉर्थ है और यहाँ से आपका फ्रेंड देख रहा है तो उसको साउथ दिखेगा, नॉर्थ साउथ को छोड़ देंगे। यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ से आप देख रहे हो ये कॉइल में से एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपके फ्रेंड को वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा, वो उसे आपके फ्रेंड को क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको एक चीज समझनी है, कहां से आप देख रहे हो, फ्रॉम द मैग्नेट पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम अदर साइड ऑफ द कॉइल। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ इज गोइंग इनसाइड तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मान लो साउथ इज गोइंग इनसाइड होता तो क्लॉकवाइज होता, साउथ इज कमिंग आउट होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता। तो सर ये ऐसा क्यों हुआ, ये लेंस भैया ने बताया ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों हुआ वो ये हमें समझना। नोट दैट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस करंट हैज नॉर्थ पोलरिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। मतलब ये जो कॉइल है ना, अगर मैग्नेट उसकी तरफ जा रहा है तो वो उसकी नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी। तो कौन सा पोल होगा बेटा, नॉर्थ पोल उसे होगा। करंट की बात करें अलग है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा सीइंग फ्रॉम दिस साइड, बट उसका देखो करंट प्रोड्यूस हुआ मतलब कॉइल भी एक टाइप का क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल भी एक टाइप का क्या बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो वो नॉर्थ की तरह, क्यों, क्योंकि वो रिपेल करेगा, उसे अंदर जान नहीं देगा। सिमिलरली इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम द कॉइल, और यहां से आप देख रहे हो तो इसके अंदर करंट कहां पर प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ क्लॉकवाइज, तो ये साउथ की तरह एक्ट करेगा, उसे ऑपोज करेगा, उसे दूर जान नहीं देगा, उसे नजदीक भी आने नहीं दे रहा और उसे दूर भी जान नहीं दे रहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह उसे ज्यादा नजदीक भी आने नहीं दे रहा और दूर जाने भी नहीं दे रहा। अगर बहुत ज्यादा नजदीक आता है तो दूर है दूर है, दूर जाता है तो वो नजदीक आ नजदीक आ सकते हैं, समझ रहे हो। The magnetic flux through the coil will decrease. कब, जब वो दूर जाएगा तब magnetic flux decrease होगा। Now to counter this decrease in magnetic flux, उसे बढ़ने भी नहीं देगा। अब दूर जा रहा है मतलब उसका magnetic flux decrease हो रहा है, मतलब वो decrease होने भी नहीं देगा। वो क्या करेगा? The induced current in the coil flows in clockwise direction and its south pole faces the receding north pole. Receding north pole मतलब north pole दूर जा रहा है तो वो उसका south pole की तरह करेगा। This would result in an attractive force which opposes the motion of the bar magnet correspond to decreasing flux. आपको एक ही बात याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया ना कि भाई वो उसे अगर वो उसके नजदीक आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करने नहीं देगा और दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करने नहीं देगा। अगर नजदीक आ रहा है, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो उसे इंक्रीज करने नहीं देगा, मतलब उसका भी नॉर्थ पोल होना चाहिए रिपेल। अगर दूर जा रहा है तो उसे दूर भी जाने नहीं देगा, क्यों, उसे अट्रैक्ट करेगा। इट ऑलवेज oppose the motion,
ये याद रख लो, नजदीक आ रहा है तो ऑपोज करेगा, उसे दूर जाने को बोलेगा, दूर जा रहा है तो ऑपोज करेगा, नजदीक आ, ऐसे बात कर। अगर मान लो इसकी जगह पे, इसकी जगह पे मैंने ये ले लिया, अब साउथ पोल अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में करंट होगा? यहाँ पे करंट होगा क्लॉकवाइज, ये किसकी तरह काम करेगा? साउथ की तरह। अगर मान लेते हैं ठीक है कि अब साउथ पोल को हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा? नॉर्थ की तरह। करंट कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या करेगा? नहीं दूर ना जाओ, दूर तुसी दूर ना जाओ, तुसी दूर ना जाओ, यहीं पे रहो, हमारे पास रहो, ठीक है, ऐसे बोले। ये बात समझ में आई? सर अब तक आपने एक चीज नहीं बताई कि ये क्यों हो रहा है। बताऊंगा, सब्र का फल मीठा होता है। पहले ये बेसिक तो पता चल गया, लेंस भैया ने क्या बोला, लेंस भैया ने बोला कि हमेशा वो अपोज करेगा, हमेशा वो अपोज करेगा। ये रहा, द पोलैरिटी इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किस तरह से अपोज करेगा? कि भैया अगर आप अंदर लेके जा रहे हो नॉर्थ पोल को तो वो नॉर्थ पोल की तरह, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। दूर लेके जा रहे हो तो साउथ पोल की तरह क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल को अंदर लेके जा रहे हो तो साउथ पोल क्लॉकवाइज, वो वापस करेगा, और दूर लेके जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एस मतलब क्लॉकवाइज। क्यों? चलो मान लो सपोज दैट द इंड्यूस करंट वॉज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वन डिपिक्टेड इन फिगर ए। मैंने क्या बोला, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ। देखो यहाँ पे नॉर्थ अंदर जा रहा है तो कौन से डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है। बट अगर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे अगर हम नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहे हैं और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हुआ, मतलब ये साउथ की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? इन दैट केस द साउथ पोल ड्यू टू द इंड्यूस करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो ये साउथ पोल हो जाएगा क्यों? क्लॉकवाइज। The bar magnet will then be attracted towards the coil at an ever increasing acceleration. मतलब वो उसे देखो, ये coil है, ये magnet है। अगर ये if मान लेते हैं, lens भैया ने कुछ बताया नहीं होता तो मान लेता कि ये south pole होता तो ये north pole तो और attract होता, और जितना ज्यादा attract होता जितना ज्यादा तो उसका acceleration भी बढ़ जाता। तो ये यहां से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अ जेंटल पुश ऑन द मैग्नेट विल इनिशिएट द प्रोसेस। एक हल्का सा मैंने उसको धक्का दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, एंड इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी। देखो थोड़ा सा मैंने पुश दिया तो उसकी स्पीड तो बढ़, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। मैंने तो उस पर थोड़ा सा काम किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है? बोलो सर वो किसके कारण? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये होल एंड सोल है, वो किसके कारण है? इसके कारण, होल एंड सोल इसके कारण है, समझ रहे हो? ये तो ऐसे ही पड़ा है ना, इसके साथ बैटरी है ना कुछ भी है, गैलोमीटर जो सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट्स इट। तो उसे एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इफ दिस कैन हैपन वन कुड कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन बाय सूटेबल अरेंजमेंट। परपेचुअल मशीन मतलब एवर इंक्रीजिंग, जो कभी बंद ही नहीं होगा। And this violates the law of conservation of energy, hence cannot happen. मैंने starting में बताया, इसलिए नहीं होगा। Reason पता चलेगा, एक धक्का देंगे तो वो तो ever increase, क्योंकि अगर मान लेते south होता तो। इसलिए इसको contradict करने के लिए lens भैया ने क्या बोला कि भाई वहां पे जिंदगी में कभी south नहीं हो सकता, वहां पे क्या होगा? हमेशा north होगा। Now consider the correct case मतलब ये वाला case। In this situation the bar magnet experiences a repulsive force। अब देखो, अब नॉर्थ अंदर जा रहा है और ये नॉर्थ होता, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसे क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स करेगा। रिपल्सिव फोर्स मतलब समझ रहे हो, उसे रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब हमें उसे अंदर लेके जाने के लिए यहां से और धक्का देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? और धक्का देना पड़ेगा। अगर मुझे उसे और अंदर लेके जाना है तो वहां पे नॉर्थ है और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे रिपेल करेंगे, मतलब मुझे और उस पर वर्क डन करना पड़ेगा, और उस पर वर्क डन करना पड़ेगा मतलब मुझे और उस पर एनर्जी डालनी पड़ेगी और वही एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी। देयरफॉर क्या बोला है? अ पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट, एंड वेयर डज द एनर्जी स्पेंड बाय वर्क गो, पर्सन गोज, तो दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय जूल हीट प्रोड्यूसिंग इन द इंड्यूस करंट। और वो जो एनर्जी है वो कहां पे चली जाती है? तो करंट प्रोड्यूस हुआ तो वहां पे जूल हीट के फॉर्मेट में चली जाती है।
ये रियल सीनरियो कि अगर आप नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहे हो और ये नॉर्थ पोल रियल में है तो उसको रिपेल करेगा, इसलिए मुझे और उसको धक्का देना पड़ेगा, मतलब मुझे और उस पर वर्क डन करना पड़ेगा और वो और एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी सब कहां पे चली जाती है, इंड्यूस्ड करंट में चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर। फिर भी नहीं पता चलता तो वीडियो देखिए, फिर भी नहीं पता चलता तो मुझसे पूछिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर हेल्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। ठीक है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 30, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.6 मीटर। बी दिया हुआ है 0.3 टेस्ला। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन स्पेशली इसीलिए करवा रहा हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला केस, प्लेन जो है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड। ये समझ में आता है, ये समझ में, इंक्लाइन टू 30 डिग्री एट द फील्ड, मतलब ये जो प्लेन है वो, ये मान लेते हैं ये फील्ड ये है। अब प्लेन जो है ना वो 30, प्लेन जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइन टू द फील्ड है, मतलब ये उसका एरिया वेक्टर। अब ये जो प्लेन है वो 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइंड है, मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये बी है, तो जो प्लेन है हमारी वो कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, वो प्लेन जो है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड, बराबर है। बट हमें क्या चाहिए, हमें टोटल 90 डिग्री होता है, ये आप मानते हो, बराबर है, ये एरिया वेक्टर हो गया, टोटल 90 डिग्री होता है, उसमें ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। प्लीज कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखो मैंने आपको यहाँ पे फिगर में समझाया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, प्लेन जो है वो उससे 30 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लेन उससे 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उससे 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है उससे प्लेन 30 डिग्री इंक्लाइंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लेन मान लेते हैं ऐसे, प्लेन ऐसे 30 डिग्री इंक्लाइंड पे, तो उसका एरिया वेक्टर ये हुआ, प्लेन कितनी डिग्री इंक्लाइंड पे, 30 डिग्री, टोटल 90 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब समझ में आया, 60, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप 30 डिग्री लिख के आओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए मैंने ये रखा है, आपको चाहिए तो ले लेना, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 - 30 60 डिग्री होगा, तो पाई का फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, पाई इज इक्वल टू बी दिया हुआ है 0.3 × 0.6 × cos 60 degree, पाई इज इक्वल टू कितना होगा 0.9 cos 60, हाफ होता है 0.9 × 10⁻²। अब दूसरा उन्होंने बोला है इस पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन, प्लेन जो है हमारी प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, मतलब फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड ऐसे जा रही है और हमारी प्लेन ऐसे है, तो उसका एरिया वेक्टर तो ऐसा हो जाएगा, ये बी है और ये एरिया वेक्टर। अब समझ में आ गया, पहले 30 डिग्री इंक्लाइन थी, अब पैरेलल टू द फील्ड हो गए, तो दूसरे केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री, जीरो, खत्म हो गया। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, प्रैक्टिकलिटी रखो, इमेजिनेशन रखो, आई नो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू बिकॉज आपका इमेजिनेशन पावर जीरो है, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, कैसे इमेजिन करना वो सब जीरो है, बट ट्राई कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स पाई दिया हुआ है, पाई टी क्यूब प्लस 4t² + 2t - π, कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t = 2 सेकंड, तो t = 2 सेकंड मतलब हमें तो फाइंड करना है, ऐसा नहीं बोला है कि भाई
सुनो ये एट जो है ना, एक वर्ड पूरे क्वेश्चन को चेंज कर। आप बोल रहे हो कि सर कॉइल इन 2 सेकंड होता है तो 0 to 2 मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स दोनों लेने पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एट टी इज इक्वल टू 2 बोला है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को ये भी नहीं पता एट टी इज इक्वल टू 2 मतलब पर्टिकुलर मतलब इंस्टेंटेनियस, इसलिए वहां पे डी फाइव बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो कितना होगा 15t2, ये आगे आ जाएगा 8t और ये हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या बोला है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेकंड डाल दो 2 का स्क्वायर 4 4 15 4 जा 16 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 2 तो ये कितना हो गया 78 हो गया वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है देयरफॉर i इज इक्वल टू मोड e कितना था 78 और r कितना है 5 इसका आंसर आएगा 15.6। डन। आज का लेक्चर बहुत छोटा था ठीक है, कितना टाइम हुआ 50 मिनट्स हुई सर, काहे का छोटा है मतलब अच्छा लेक्चर था। ट्राई करेंगे कि 4 लेक्चर में खत्म करके 5th लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सरसाइज करवा दूं ताकि अक्टूबर महीने में हम 7 चैप्टर और 8 चैप्टर बिफोर दशहरा कंप्लीट कर सकें तो गैस बुक 2 स्टार्ट हो जाए। तो नवंबर में बिफोर दिवाली बुक 2 का 1 चैप्टर भी हम ट्राई करें। ट्राई करने में क्या जाता है बट मैं कोई रश नहीं करूंगा, आपको सबको पता चले उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत सारी चीजें बतानी है बट इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मुझे किसी को लगेगा किसी को मोटिवेशन चाहिए तो आना मेरे पास, मैं तब बताऊंगा। बाकी कोई मतलब नहीं है, मैं मेरी एनर्जी वेस्ट करूँ उससे बेटर है कि जिनको चाहिए उसको ठीक है। टेक केयर एंड स्टडी वेल।